हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चने का निमोना बनाएंगे, हरे चने का निमोना, जो इस समय बहुत अच्छा आ रहा है और ये सीजन है हरे चने का। तो हमें चना बहुत फ़ायदा करता है, वैसे तो हम खाते ही हैं साल भर सूखा हुआ काला चना, पर सीजन में जो चना आता है वो ज़रूर खाना चाहिए। तो आज हम आलू के साथ इसका निमोना बनाएंगे। ये उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है, हम लोग ज़रूर बनाते हैं। मटर का भी बनता है पर चने का बहुत टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, चने लिए हैं और मैंने आलू दो लिए मीडियम साइज के। वैसे आलू जो है उबाल कर बनाते हैं, पर आज मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए, मैंने इसको महीन महीन काट लिया है और इसको फाइनली चॉप कर दूंगी मिक्सी में। ये देखिए, फाइनली चॉप कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़े भी रह जाएंगे तो चलेगा। इसमें क्या है, कभी कभी आलू उबले हुए नहीं होते और हमको सब्जी बनानी है, तो हम फटाफट इसको आलू को कट करके मिक्सी में चला लेंगे। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चने को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। ये कच्चा हरा चना है, इसको बॉयल नहीं किया है अभी। मेरा जार छोटा है तो मैं दो बार में इसको चलाऊंगी। तो एक बार चलाने के बाद फिर मैंने दोबारा भी चला लिया, ये चने हमारे चॉप हो गए हैं। अब हम इनका निमोना बनाएंगे। हमको सीजन में हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, तो ये चने का जो निमोना है वो मटर के निमोने से ज़्यादा टेस्टी लगता है और हमारे उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो मैंने पैन कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। सरसों के तेल का प्रयोग मैं जब भी करती हूँ सब्जी बनाने के लिए, जैसे ही तेल गरम होता है हम इसमें हींग और जीरा डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज लहसुन कम खाया जाता है। तो मैं आज आपको अनियन व गार्लिक फ्री सब्जी बनाना सिखाऊंगी। हालांकि इसमें प्याज लहसुन बहुत टेस्टी लगता है, पर मेरे यहाँ कुछ लोग हैं, मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो लहसुन प्याज नहीं खाते। तो आज मैं बिना केवल हींग जीरे वाली सब्जी बनाऊंगी और माइंड ब्लोइंग सब्जी बनेगी। आप बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। तो मैंने इसमें हींग जीरा डाला है, फिर एक चुटकी हल्दी डाली है। जैसे ही हल्दी थोड़ी सी भुन जाती है फिर हम इसमें चने डालेंगे, जो हमने इनको दरदरा पीसा है, इसको वैसा नहीं पीसना है, दरदरा पीसना। और इनको कम से कम चने को हम चलाते हुए 5 से 7 मिनट तो खूब भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें, जैसे कभी स्लो कर ली, कभी हाई कर ली। और थोड़ा सा इसमें तेल अच्छी मात्रा में डालें, क्योंकि जो हरे हरा साग होता है उसमें थोड़ा तेल अच्छी मात्रा में पड़ता है, तभी सब्जी टेस्टी बनती है। तो मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाला है और इसको अच्छे से भूना है, जो इसमें तली में लग जाए उसको आप कलछी से छुटाते जाएँ और अच्छे से उलटते पलटते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भूनें। फिर ये आलू भी डालेंगे, जो हमने 2 मीडियम साइज के आलू चॉप किए थे वो भी डालेंगे। इनको भी मिक्स करके कम से कम 1 से 5 मिनट तक भूनेंगे। इतनी अच्छी सब्जी कढ़ाई में भून जाती है, उसके बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत टेस्टी अच्छा आता है। ये नहीं जल्दी जल्दी डाला और बस फिर मसाले डाल दिए, कोई भी सब्जी है आप कढ़ाई में जितनी देर भूनते हैं वो अच्छी बनती है। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, भूनने के बाद मैंने इसको 7 मिनट भूना है। नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने हरी मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, पर इसमें थोड़ा अदरक का टेस्ट कम अच्छा लगता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी है। और इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। कम से कम मैंने इसको 10 मिनट भूना है, आप यकीन नहीं करेंगे। सब्जी वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था। इसको 10 मिनट मैंने भून लिया है अच्छे से मसाले डालने के बाद। अब इसमें मैं ये मिक्सी का जार वगैरह धो कर सारा ये पानी डालूंगी। पानी इसमें अच्छी मात्रा में पड़ेगा, क्योंकि हम इसे चावल के साथ खाएंगे और रोटी के साथ भी खाएंगे, तो इसमें अच्छी मात्रा में ग्रेवी होनी चाहिए, तरी अच्छी होनी चाहिए। तो कम से कम इसमें 2 से 3 बाउल पानी डालिए। और इसमें आप जो आलू के टुकड़े देख रहे हैं, जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, अभी जो इसमें आपने आलू के टुकड़े देखे हैं
ये छोटे छोटे पीसेज हैं, ये जो आपकी सब्जी बॉयल होगी ना तो उसमें अपने आप बॉयल हो जाएंगे और अच्छे से पक जाते हैं, इनको अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि 2 से 3 लोगों की सब्ज़ी बनानी थी मुझे और 2 आलू मैं कहाँ उबालती इतने बड़े कुकर में, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। अब इसको मैंने पानी डाल दिया है इसमें, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए आपको जैसी तरी चाहिए, आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं और गैस को थोड़ा हाई कर दीजिए, ढक दीजिए। जैसे ही बॉयल आ जाता है गैस को आप स्लो कर दीजिए और ढक्कन हटा के इसको कम से कम 10 मिनट तक पकाइए स्लो गैस करके। और जैसे ही स्लो गैस करने के बाद आप पकाएंगे 10 मिनट तक, ये अच्छे से गाढ़ी सब्जी तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहीं तक आपको दिखाना ठीक समझा। सब्जी पका तो सभी लोग लेते हैं, गैस को स्लो कर दिया, मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। बाद में इसमें हरा धनिया डालकर आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक